चलो आओ प्रतीक प्रतीक डिस्कनेक्ट है उसको निकाल दो। ओ अभी मजा आएगा ना भिड़ो चौको चौको वो डाला तूने क्या क्या कहते हैं देख रहे स्किन देख रहे क्या बोलते हैं तो मैं रोल नहीं बताऊंगा नहीं मेरे को स्किन नहीं दिख रही सुसी आपकी सुनो तौफीक और ये साथ में खड़े थे एकदम से चौको की खबर आ गई तो तौफीक हो सकता है भाई तौफीक का 97 लेवल है। अरे भाई नहीं नहीं वो गंजा हुआ खिलाड़ी है। तूने मारा चौको भैया मैंने कैसे हम दोनों खुद मिल के वो फ्यूल खींच रहे थे इतनी देर में वो कट गया और मैं हटा मैं किसने मारा इसको तो इविल गेसर है ना तो सबके सामने मैं मार दूंगा क्या इविल गेसर है तो गेस कर लो कोई नहीं मैं नहीं इविल गेसर नहीं है नहीं है वो है इसने वैम्पायर रखा है इस बार तो मैं स्निचू मेरे साथ एक बार चलो टास्क करा दो मेरी बस मेरी एक टास्क रह गई कैमोफ्लेजर है ना कैमोफ्लेजर है भाई कैमोफ्लेजर है क्या फायदा कौन सी टास्क बची है तो बता दे सल्लू भाई भाई टास्क कौन सी बची है तो बता दे टास्क कर रहा था ना भाई सिसी भाई मैं को तो लग रहा था इविल गेसर इसलिए बोल रहा था बहुत तेज हो रहा है हैं तुम तो वेट कर रहे थे भाई टास्क भाई और डांस कर रहे मैं वेट कर रहा था कि कोई मेरे पे अटैक कर ओए भागो दूर तो हो ही नहीं भाई आसपास ही नहीं होता क्या आपके लगाओ कोई नहीं बेटा अरे ये बताओ बॉडी का मिली सबसे पहले बेसिक चीज तो रिएक्टर में बॉडी पड़ी थी देखो हुआ के रिएक्टर और कैमरे के बीच में बॉडी पड़ी थी और मैं पहले ऊपर गया था जब कैमोफ्लेज हो गया था ना फिर जब ऑक्सीजन हो गया मैं नीचे जाने लगा था और मैंने देखा नीचे डीआर क्लास में कितने नीचे से कौन-कौन गए नीचे से कौन-कौन गए तौफीक नहीं हो सकता तौफीक ने वो कर लिया था वेंट नीचे से कौन-कौन गए अच्छा ऐसे मैं लोगों तो तौफीक नहीं है डीएम भाई नीचे से कौन-कौन गया ये बता दो बस बेसिक चीजें सारे थे ना सारे थे जब तब कैमोफ्लेज हो गया रिपोर्ट आया था सेल्फ रिपोर्ट है क्योंकि मैं सीएर हूँ जब भी इंस्टेंटली लाइट आया ना तो दो बार ब्लिंक होता है वो एक बार ही ब्लिंक हुआ और डायरेक्ट रिपोर्ट हो गया सेल्फ रिपोर्ट है एक सेकंड के अंदर रिपोर्ट किया डीमन जेस्टर ना हो जरूर निकालो नहीं मैं श्योर हूँ डीमन के लिए सट्टा लगा देते हैं भाई लगा देते हैं सट्टा आओ भाई इंकी पिंकी पोंकी वोट क्यों नहीं कर रहे हो तुम इविल गेसर को मारने का टाइम क्यों दे रहे हो कौन कौन से इंपोस्टर हैं डैडी तो भाई मुझे नहीं पता ना एक इविल गेसर है और कैमोफ्लेजर है फिर दो ही बचे और क्या बचा इविल गेसर तो उड़ गया मेरे को लग रहा है कैमोफ्लेजर डीमन होगा मेरे को लग रहा है दोनों ही उड़ गए अभी पता चल जाएगा एक से नो नहीं नहीं ओके ओके नो ओके मुझे लग रहा है अबे पर उसने तो सीयर बोला था ना तभी तो गया है मैं नहीं हूं पर इविल उसने तो बता दिया था उसने बताया था ना कि वो सीयर है उसने बताया था कि वो सीयर है हां किसी ने मारा है
ये भी सकता है डीमन ही उसने मारो, बट इविल गेसर है ना, देखा मैं कह रहा था इविल गेसर है, इसलिए तो मैं स्लिप अपना फेक कर रहा था। कोई नहीं भाई, मेरे को लग रहा है ये है क्योंकि इसके नाम में प्रो है। ठीक है यार शुशी भाई ये कर लो। हेलो व्हाट, लाइट फिक्स करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो भाई, कोई तो कटा होगा। नहीं नहीं नहीं, अबे यहाँ पे नेविगेशन में कोई वल्चर घूम रहा था, मेरे को भी रिपोर्ट का साइन है और एकदम से बॉडी गायब हो गई। नेविगेशन के पास तो मैं भी था आपके साथ, तो मतलब वहां पे कोई ना कोई एक वल्चर आया क्योंकि बॉडी थी, ठीक है, रिपोर्ट का साइन आया और थोड़ी देर बाद बॉडी गायब। एंग भाई भी थे, एंग भाई भी थे वहां तो, हो सकता है एंग वल्चर हो। एंग तूने वो क्यों किया है? अरे सरन वल्चर है, मैं बॉडी रिपोर्ट करने गया था, सरन वल्चर खा के निकल गया, भाग गया पीछे। मैं नहीं हूं ब्रो, अच्छा अगर होगा तो मैंने मीटिंग बुलाई होती। एक इविल गेसर है, एक वल्चर है, ठीक है, और एक डिटेक्टिव है, और एक चौथा रोल नहीं पता, ठीक, एक सिक्योरिटी गार्ड है, मर गया मतलब। ये बातें बताई नहीं जाती, मुझे पता चल गया। चौथा तो देखो, तीसरा तीन, हाँ तो ये हो गया, एक वल्चर, एक इविल गेसर, अच्छा प्लेयर तो है नहीं क्योंकि डैडी जिंदा बैठा है, तो डैडी हो सकता है। मैंने तो मेरा रोल बता दिया ना गलती मिस्टेक से, कौन सा रोल बता दिया? हाँ और क्या भाई, कौन सा रोल? अरे सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा है भाई, वो मार दो भाई उसे, सिक्योरिटी गार्ड बताया था ने। क्योंकि डीमन मरने से पहले लास्ट वही थी इविल गेसर, हो सकता है इविल गेसर डीमन, इविल गेसर हो, हां हो सकता है उसने मरने से पहले मार के गया हो, पर कैमोफ्लेज भी नहीं हुआ अभी, तो हो सकता है कि वो कैमोफ्लेजर हो, बट एक वल्चर है, ठीक है डैडी, अब प्रोटिक और एंग या फिर अब मेरे को नहीं पता, तू वहां पे था नहीं था भाई, मेरे सामने सरन ने बॉडी खाई है, मेरे को ये पता है। अगर तो एक मिनट रुक जा, एक मिनट मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दे। एंग तूने इसको देखा है बॉडी खाते हुए? हां मैं क्या हुआ था, मेरा वहां पे टास्क कर रहा था, ठीक है, मैंने अपने टास्क खत्म किया है और जैसे ही टास्क खत्म किया मुझे बॉडी दिखी, मैं बॉडी रिपोर्ट करने गया, उतने में सरन बॉडी खा के निकल गया। मैंने बॉडी नहीं खाई, तेरे को दिखा था कि सरन ने खाई है, ये बता। मेरे सामने बॉडी के पास सरन आया है और जैसे ही वो, और जैसे ही प्रतीक तू बता, प्रतीक तू बता, सरन के बाजू में मैं था तो वहाँ पे तो कोई बॉडी ही नहीं थी। वैसे भी चार में वोट करना बनता नहीं है, स्किप कर दो, और वल्चर को निकालने का मतलब नहीं है इस वक्त इविल गेसर ढूंढना है हमें, स्किप करो। बट मेरे को लग रहा है इविल गेसर मर चुका है, या फिर जो भी है दूसरा वाला, दोनों में से एक जिंदा है ना, मतलब वो कैमोफ्लेज भी नहीं कर रहा, जिससे कि देख अगर मैं होता कैमोफ्लेजर तो मैं कैमोफ्लेज नहीं करता, क्योंकि मैं ये दिखाऊंगा कि मैं इविल गेसर हूं, समझ रहा है? तो हो सकता है वो चीज कर रहा हो, पता नहीं, तो लग रहा है एंग ही है जो ये निकालने में लगा हुआ है चार में। हां भाई मैं ही हूं भाई, निकाल लो गेम, हार लो, मैं तो बता दिया मेरा जो था शक। भाई साहब आईपैड पे तो सब दिख रहे हैं, और भाई प्रतीक क्या हाल है? बस बढ़िया, एंग ओए एंग, मैं हिल नहीं सकता अभी, एक कुछ सेकंड रुक जा भाई। एंग ये देख, एक तो कुछ चीज दिखाऊं बढ़िया, ये देख, और उसके बाद एक और चीज दिखाऊं? दिखाओ भाई, मैंने देख दी है। उसके बाद एक चीज ये देख एंग, भाई धन्य बाबा कर दे वोट, प्रतीक कर जल्दी कर, ये देख, ये देख,
चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड गुड नाइट.